हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, थंबनेल देखकर आपने ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये जो आज का हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है वो ये है कि कम टाइम में हम सीटेट की कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आज जो है आपका 13 नवंबर है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है। CBSE की तरफ से ये नोटिस भी जारी कर दी गई थी कि जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर जनवरी के बीच में होगा। तो फिलहाल अगर माना जाए तो आपके पास 1 महीने से भी कम समय है इफेक्टिवली, लेकिन अगर 1 महीने हम मान के चले तो मान सकते हैं 1 महीने आपके पास टाइम है, और 1 महीने में कैसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आपको कैसे एग्जाम क्लियर करना है, तो उस पॉइंट पे हम सबसे पहले बात करते हैं। कई कम समय में ज़्यादा तैयारी एक ही तरह से हो सकती है, वो है आपके क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आप देख रहे हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। ये आपका फर्स्ट पेपर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये आपका फर्स्ट पेपर है, यानी जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ था 2022 में 1 जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2022 को जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था उसी का ये प्रिंट आउट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारी चीज़ें। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस 10 ईयर्स के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि हाँ अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पेपर का पैटर्न पता है, हमें क्वेश्चन पता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBSE में डेफिनेट टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कभी कभी उन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग सेम ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट, वो है जो बाइलिंगुअल है, यानी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है, हिंदी लैंग्वेज भी है। अब ये क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप ये बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें CBSE का जो लिंक है, यानी CBSE की जो ऑफिशियल साइट है उसे ओपन कर लेना है, जो कि है आपका cbse.gov.in। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इस इंटरफेस पे आपको एकेडमिक वेबसाइट जो मेंशन कर रहा है इस पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आपको नीचे स्क्रोल करना है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ आपको सीटेट फाइंड आउट करना है, यहाँ नीट भी दिया हुआ है, सीटेट भी दिया हुआ है, जीमेन भी दिया हुआ है, यानी कि ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ये CBSE के अंडर में ही आते हैं, CBSE ही कंडक्ट कराता है, तो हमें सीटेट की नीड है, यानी सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम सीटेट में क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो सीटेट की ऑफिशियल साइट है CBSE की, वो ओपन हो जाएगी, यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए दिया हुआ है मॉक टेस्ट, इसके और नीचे जाएंगे तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, एडिशनल लिंक्स दिए हुए हैं, यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, यानी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कि CBT मोड में कैसे CBSE एग्जाम लेगा, क्या इंटरफेस होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, तो इस मॉक टेस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि CBT मोड में कैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि पिछली बार से CBT मोड हो गया है, उससे पहले आपका पेपर पेन मोड था, लेकिन अभी पेपर पेन मोड नहीं है, अब CBT मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने लगा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी होती हैं, कैसा इंटरफेस होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको आंसर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, तो यहाँ अगर इंपॉर्टेंट लिंक्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दिया हुआ है, सीटेट दिसंबर 2021 रिजल्ट की बात की गई है, क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, सीटेट जनवरी 2021 रिजल्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो हम क्वेश्चन पेपर क्लिक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए
डिस्प्ले ओपन हो रहा है, क्वेश्चन पेपर का डिस्प्ले जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ आपसे एग्जाम डेट और सेलेक्ट पेपर यानी किस एग्जाम डेट का क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं, आपका पेपर कौन सा पेपर आप देखना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आ जाते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन पेपर का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है और उसके बाद आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने से एग्जाम की तैयारी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन एक डिफिनेट टॉपिक ही है, उन्हीं से सीबीएसई क्वेश्चन उठाएगा उठाएगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी। कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस कर लीजिएगा, जैसे एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये अभी रिसेंटली मतलब ऐड हुआ है कुछ ही सालों में, तो इससे भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। मैं सभी क्वेश्चंस आपके एनईपी से करा दूंगी, तो फिलहाल आप चैनल से जुड़े रहें जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो यहाँ आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये 1 जनवरी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था यानी उस ईयर को हम एग्जाम डेट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम पेपर फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि इंग्लिश और हिंदी किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत या इंग्लिश संस्कृत। तो यहाँ आपका जो 2022 का पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें सिर्फ दो ही लैंग्वेज अभी दिखा रहा है, इंग्लिश और हिंदी। अगर हम अदर डेट की बात करें, अगर हम अदर डेट पे चले जाते हैं तो यहाँ भी इंग्लिश, यानी 2022 में जो क्वेश्चन हुए थे, जो क्वेश्चन पेपर यहाँ दिए हुए हैं, उनमें सिर्फ दो ही लैंग्वेज का अभी दिखा रहा है, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी पर क्लिक कर देना है अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाता है, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर है आपका, मैं और जूम कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाए। क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है, कौन सी डेट थी, ड्यूरेशन क्या था, टोटल मार्क्स, ये सब चीज़ें मतलब टोटल मार्क्स कितने, आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे, पहला आता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ये देखिए पहले क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको वही सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की वेरियस स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट के कई सारे प्रिंसिपल भी हम पढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये सजेस्ट करता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट रेट में वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बढ़ते हैं यानी डेवलप होते हैं। तो ये अगर हम ऑप्शन की बात करें, पहला जो इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, डेवलपमेंट इज यूनिडाइमेंशनल, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो एक आयामी होता है, लेकिन हमने तो प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी गलत है, जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, कई डायरेक्शन में होता है, या ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये भी प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी लाइफ टाइम तक चलता है, बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसकी मृत्यु तक डेवलपमेंट चलता रहता है। तो यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीन गलत है तो चौथा सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल सेफेलोकॉडल होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब अगर हिंदी में देखें, यह कह रहा है कि विकास की जो दिशा होती है वो अधोगामी या शीर्षगामी होती है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का हमारे, वो आपका सेंटर से बाहर की तरफ होता है, यानी पहले बड़े अंग का हम डेवलपमेंट होता है, जैसे कि छोटा बच्चा है वो किसी चीज़ को उठाने का पूरे हाथ का प्रयास करता है, पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही उसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है वो छोटी छोटी चीज़ों को उंगलियों से पकड़ने लगता है। यानी हमारा जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। सेफेलोकॉडल मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर की तरफ होता है, यानी बच्चा पहले सर को संभालना सीखता है, हाथ पांव चलाता है, फिर उसके बाद फिर वो बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, यानी ऊपर से नीचे तक सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन रीड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से और इन्हें एनालाइज कर सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ देखिए यहाँ से आप
डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके बाद में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है गाइज, सबसे अच्छा तरीका यही है कम समय में अच्छे से तैयारी करने का कि आप सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ आप क्लास भी देखते रहिए जिसमें मैं आपको सीबीटी मोड में ऑनलाइन प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सीबीटी मोड कैसे होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, आप अपने क्वेश्चन पेपर जो है सीटेट के वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको आंसर करना है, सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपको और रिक्वायरमेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।